देश के अंदर माइनॉरिटी का हर व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहिए, महफूज रहना चाहिए, इसकी रक्षा करने की हमारा संवैधानिक दायित्व है। मगर पाकिस्तान में नहीं हुआ, बांग्लादेश में नहीं हुआ। 30% 23% की आबादी घटकर 3% और 7% हो गई। धर्म के आधार पर प्रताड़ना होने लगी। लाखों लाखों लोग यहां आए, लाखों करोड़ों लोग जो यहां आए वो चाहते थे कि आपका वादा था, भारत ने वादा किया था, महात्मा गांधी जी ने वादा किया था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने वादा किया था, राजेंद्र बाबू ने वादा किया था, संविधान ने वादा किया था, हमें नागरिक बनाइए, हम नर्क की जिंदगी जी रहे। लाखों करोड़ों लोग, इनके पास तो नागरिकता थी ना, घर था ना, नौकरी थी ना, स्वास्थ्य की सुविधाएं ना, शिक्षा थी, कोई उनकी सूद नहीं लेता था। और नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत कर लाखों करोड़ों शरणार्थी जो आए थे उनको नागरिकता देने की पहल की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आए और वो आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं और विशेषकर माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, ये बिल अब बन चुका है, एक्ट भारत सरकार की वेबसाइट पर है। ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी अफवाह फैला रही है कि इससे माइनॉरिटी की मुसलमान भाइयों की नागरिकता जाने वाली। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। मैं आज इस देश के सभी नागरिकों को कहने चाहता हूं, इस देश के बिल के अंदर, एक्ट के अंदर कहीं पर भी किसी की भी माइनॉरिटी की भी नागरिकता छीनने का प्रावधान ही नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटी वाले भाई आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है, देने का प्रावधान है। कृपया आप अपप्रचार मत करिए, देश की शांति को मत तोड़िए, लोगों को गुमराह मत करिए। या तो आपके पास तथ्य है तो जनता के सामने लेकर आइए कि कौन से प्रावधान के अंदर ये प्रोविजन है। देखिए, चाहे एनआरसी हो चाहे एनपीआर हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। आप नोटबंदी को समझिए, नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स था। बैंक में जाइए, पैसा दीजिए, अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकालिए और पूरा का पूरा पैसा वहीं 15-20 लोगों को। ये भी बिल्कुल वही चीज़ है, जाइए अफसर के पास जाइए, गरीब आदमी जाएगा, अपने कागज़ दिखाइए, रिश्वत दीजिए, आपका नाम थोड़ा गलत है तो रिश्वत दीजिए। करोड़ों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान की गरीब जनता के जेब में से निकालकर उन्हीं 15 लोगों के जेब में जाएंगे, ये है सच्चाई। आई एम सेइंग दैट इट इज एन अटैक ऑन पुअर पीपल, इट इज एन गरीबों पे ये आक्रमण है, सीधी सी बात है। अब गरीब व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई हमें रोजगार कैसे मिलेगा।